नमस्कार बच्चों। तो आज हम लोग देखने वाले हैं एससी वर्मा चैप्टर नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है बेटा, ए डिस्क ऑफ रेडियस आर इज कट आउट फ्रॉम ए लार्जर डिस्क ऑफ रेडियस 2 आर इन सच ए वे दैट एज ऑफ द होल टचेज एज ऑफ द होल टचेज द एज ऑफ द डिस्क तो लोकेट द सेंटर ऑफ मास ऑफ द रेसिडुअल डिस्क। तो ये क्वेश्चन कुछ ना कुछ क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ही है, बस डिफरेंस ये है कि क्वेश्चन नंबर 4 में डिस्क ऐड किए थे, यहाँ पे डिस्क को रिमूव किया गया है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं क्या कर रहा हूँ, सिचुएशन ड्रॉ कर लेता हूँ कि सिचुएशन कैसा है। ये बेटा सिचुएशन कुछ इस तरह का है, दो डिस्क मैंने बना लिया और यहाँ पे आप देखो एक का रेडियस 2 आर है और एक का आर है, बड़े वाले का रेडियस 2 आर है। तो ऑब्वियसली सर ये सेंटर होगा है ना, क्योंकि ये 2 आर है बेटा। तो ये आर ये बड़े वाले का सेंटर होगा और ये छोटे वाले का सेंटर होगा, तो ये एग्जैक्टली पेरीफेरी एंड सेंटर के बीच में ही आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बोला है होल को इस तरह से कट किया गया है कि इट टचेज द एज ऑफ द डिस्क, एज को टच करता है ना, तो यहाँ पे एज को टच कर रहा है। अब ये काट के निकाल लिया गया है, ये पूरा पोर्शन काट के निकाल लिया गया, तो आपके पास जो बचा हुआ पोर्शन है, इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या था ऐड किया था, लेकिन इसके वाले इस वाले पोर्शन में क्या, ये सिर्फ इतना पोर्शन आपको दिखेगा जो कि मैं यहाँ पे जिस रीजन को मैं डैश 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 लाइन से दिखा रहा हूँ है ना, साइडेड रीजन जो है यहाँ पे सिर्फ ये आपको दिखेगा, बाकी ये पूरा कट जाएगा, इवन ये एज भी नहीं दिखेगा वो, तो मैं यहाँ पे एक लाइन दिखा रहा हूँ इस तरह से, मतलब ये पूरा कट जाएगा ये वाला पोर्शन। तब आपको बताना है सेंटर ऑफ मास इसका लोकेशन क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे सिमिलर कंसेप्ट है, एक तो आप इस तरह का क्वेश्चन है बेटा, एक तो डायरेक्ट फार्मूला भी यूज कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे चूंकि मटेरियल तो सेम ही है ना, इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या था कि दो डिस्क था, तो दोनों मटेरियल के बारे में जानकारी दी थी उसने कि यहाँ दोनों का थिकनेस क्या है, दोनों सेम मटेरियल की है ना, मतलब डेंसिटी दोनों की क्या है सेम है। यहाँ पे वो सब की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो एक ही मटेरियल है, उसी मटेरियल से ये क्या किया गया, कट करके निकाला गया है, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन जब भी रिमूव वाला जो सेक्शन होता है, इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग कैसे करते हैं तो वो देखते हैं हम लोग तो एक इस तरह का क्वेश्चन को जब भी आएगा बेटा आगे भी, तो एक तो डायरेक्ट फार्मूला से तो करते ही है ना, वो डायरेक्ट फार्मूला कैसे आता है वो मैं जस्ट यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ पहले। तो देखो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग इस तरह से ज़ूम करेंगे कि मान लो कि ये तो बड़ा वाला तो डिस्क था ही, ठीक है। बड़े वाले डिस्क में से ये इसका हो गया सेंटर, ये इसका हो गया कितना रेडियस हो गया 2 आर, बड़े वाले डिस्क का कुछ है ये पूरा, ठीक है। इसमें से क्या करो आप पोर्शन रिमूव कर दो, दैट मीन्स माइनस कर दो। क्या माइनस करोगे, एक छोटा सा हिस्सा, तो वो मैं यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये देखो यहीं से मैं दिखा देता हूँ, ये वाला जो हिस्सा है ना बेटा, ये वाला हिस्सा आपको रिमूव करना है, कट करके निकालना है। तो ये देखो ये मैं कट करके निकाल लिया, ठीक है। तो ये हो गया आपका सी हो गया और ये हो गया इसका सेंटर ऑफ मास। तो आपको ये समझना है, मतलब एक ये मान लो कैपिटल एम मास है, ये मान लो स्मॉल एम मास है, अगर दोनों को माइनस कर दूं इस तरह से, क्योंकि देखो लोकेशन वगैरह तो दिखाई दिया मैंने यहाँ पे है ना, तो आपका जो इफेक्टिव डायग्राम बचेगा वो कौन सा बचेगा, ये वाला बचेगा ऑब्वियसली। ये भी पूरा भरा हुआ पार्ट है ना, पूरा भरा हुआ पार्ट है और ये भी पूरा भरा हुआ पार्ट है ना। अगर माइनस का मतलब क्या हुआ कि निकाल लिया, तो कौन सा पोर्शन बचेगा, तो ऑब्वियसली सर ये वाला बचेगा। तब यहाँ पे करना क्या है देख लेते हैं किस तरह से हम लोग करते हैं। तो
सेंटर ऑफ मास का अगर लोकेशन बताना है तो फॉर्मूला तो वही यूज करना है, एक्सीएम इक्वल टू क्या यूज करते हैं हम लोग, एम वन एक्स वन, पहले प्लस यूज करते थे ऐड करने के केस में, जब माइनस करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस एम टू एक्स टू, क्योंकि आप रिमूव कर रहे हो, है ना, डिवाइडेड बाय क्या करोगे एम वन, पहले प्लस करते थे अब क्या करोगे एम वन माइनस एम टू। तो ये सिंपल सा फार्मूला आप यूज करोगे। अब इसमें भी बेटा बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, जैसे मान लो मास डायरेक्टली अगर गिवन नहीं है, तो मास अगर डायरेक्टली गिवन नहीं है तो कुछ ना कुछ तो देगा, तो क्या देगा सर, एक तो डेंसिटी दे सकता है, तो डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो मास को हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम भी लिख सकते हैं इस तरह से। तो अगर 3D ऑब्जेक्ट है मान लो, तो तुमको रो इंटू वी लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे तुम एक्सीएम, जो जो मैं एक्सीएम के लिए कर रहा हूँ वही वाईसीएम के लिए भी फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे कोई लिखेगा मास को रो वन इंटू वी वन, ठीक है, इंटू एक्स वन, माइनस एम टू लिखेगा क्या, रो टू इंटू वी टू इंटू एक्स टू, डिवाइडेड बाई रो वन वी वन, माइनस क्या लिखोगे रो टू वी टू। अब चूंकि मटेरियल एक ही है, कट किया गया है, तो ऑब्वियसली रो क्या होगा, रो तो सेम ही होगा सर, है ना, तो रो कॉमन लेके क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। हाँ, मटेरियल को अगर ऐड किया जाता तो रो अलग अलग हो सकता था, तो प्लस वाले कंडीशन में अलग अलग हो सकता था, ठीक है, बट यहाँ पे चूंकि सेम मटेरियल है तो रो तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फॉर्मूला निकल कर क्या आ जाता है बेटा यहाँ पे, दैट इज इक्वल टू क्या आ जाता है, वी वन एक्स वन माइनस वी टू एक्स टू अपॉन वी वन माइनस वी टू। तो ये डायरेक्ट फार्मूला आप यूज कर सकते हो कटिंग वाले में। इसमें और भी फार्मूला तैयार कर सकते हैं, मान लो ऑब्जेक्ट कैसा है, एरियल है ना, तो एरियल ऑब्जेक्ट के लिए क्या लिखोगे, वॉल्यूम कैसे लिखोगे बताओ, मतलब थिकनेस अगर गिवन है मान लो, तो क्या लिखोगे, वॉल्यूम इक्वल टू एरिया इंटू थिकनेस, ऐसे ही लिखोगे ना। तो आप यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो, देखो दिस इंप्लाई दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम वी वन की जगह पे क्या लिखोगे ए वन टी वन, ठीक है, माइनस क्या लिखोगे ए टू टी टू, सॉरी यहाँ पे एक्स वन भी लगाओ, यहाँ पे एक्स टू लगाओ, है ना, यहाँ पे ये डिवाइडेड बाई क्या लिखोगे बेटा ए वन टी वन माइनस ए टू टी टू। तो ऐसे भी आप लिख सकते हो। अब आप सोचो अगर ये एक ही मटेरियल है बेटा, अगर आप कट कर रहे हो तो पूरे की जो थिकनेस होगी, कटिंग वाले की भी थिकनेस उतना ही होगी सर, क्योंकि यहाँ तो कुछ मेंथन अगर नहीं किया है तो आप तो थिकनेस सेम ही लोगे, तो यहाँ पे थिकनेस भी सेम हो जाती है क्योंकि एक ही मटेरियल है। तो यहाँ पे आप फॉर्मूला इवन वॉल्यूम का ना लगाकर सिंपली ए वन एक्स वन माइनस ए टू एक्स टू अपॉन ए वन माइनस ए टू कर सकते हो। सिंपल सिंपल सा फॉर्मूला ये आप यूज कर सकते हो, मतलब मास की जगह पे सिंपली आप क्या यूज कर सकते हो, एरिया 2D के लिए, ठीक है। 3D के लिए अगर मान लो थिकनेस वगैरह नहीं दिया तो आप वॉल्यूम डायरेक्ट यूज करो, है ना। तो हो गया अगर कटिंग वाले सेक्शन है रिमूव किया गया, अगर ऐड किया गया तो आपको यहाँ पे बस कुछ नहीं करना है, प्लस करना है। लेकिन ऐड जब करोगे तो इट में भी थिकनेस सेम है नहीं है, वो क्वेश्चन के हिसाब से मेंशन करेगा वो, क्योंकि वहाँ पे अब दो मटेरियल हो गई अलग अलग। कटिंग वाले में ये क्लियर है कि एक ही मटेरियल है, एक ही मटेरियल से कट करके निकाला गया, तो यहाँ तो सब कुछ सेम हो जाएगा, मगर ऐड करेंगे तो वहाँ पे सेम होगा नहीं होगा वो सारा सिचुएशन पे डिपेंड करता है, तो फार्मूला वेरी कर जाएगा आपका, है ना। तो चलिए यहाँ पर तो हम लोग अब डायरेक्ट फार्मूला लगाते हैं सर, आपने तो शॉर्टकट फार्मूला यहाँ पे बता ही दिया सर कि रिमूव वाले सेक्शन में तो 100% सब कुछ सिमेट्री है, तो डायरेक्ट ए वन एक्स वन माइनस ए टू एक्स टू अपॉन ए वन माइनस ए टू कर सकते हैं सर, क्योंकि इसमें थिकनेस वगैरह लेके भी हमको कोई लेने का कोई टेंशन नहीं है ना, डेंसिटी वगैरह के बारे में सोचने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, है ना, क्योंकि यहाँ पे एक ही ऑब्जेक्ट है। चलिए अब देखना, ए वन का मतलब कुछ भी तुम ले लो, है ना, बड़े वाले का मान लो ले लेता हूँ, ऐसा आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है, प्लस माइनस का ही फर्क पड़ेगा। तो एक तो मैं ऑरिजिन यहाँ से ले लेता हूँ, ठीक है, और सोचो पहले अगर दोनों मान लो पूरा था बेटा, पहले है ना पूरा था, अब सोचो यहाँ पे पहले ये पूरा सिंगल ये था, ये नहीं था, तो सेंटर ऑफ मास कहाँ रहेगा, यहाँ पे ऑब्वियसली सर। अब सोचो अगर आपने ये वाला हिस्सा काट के निकाला यार, तो इसका मतलब क्या हुआ, इफेक्टिव मास क्या होगा, सोचो इफेक्टिव मास ये पूरा इस तरह से हो गया ना, तो इफेक्टिव मास इधर ज्यादा हो गया ना, तो सेंटर ऑफ मास किधर शिफ्ट करना चाहिए, सोचो
इधर शिफ्ट कर जाना चाहिए। जैसे इसके पहले वाले सवाल में आपने क्या किया था, ऐड किया था, तो ऐड किया तो पहले तो इतना था ही यहाँ पे और ये कुछ ला दिया, तो इधर वाला मास जो है इधर वाले से ज्यादा हो गया, तो सेंटर ऑफ मास पहले यहाँ पे शिफ्ट कर गया था। अब आपने कट कर दिया तो ऑब्वियसली इधर का मास ज्यादा हो गया, तो और आप जानते हो कि सेंटर ऑफ मास किधर शिफ्ट करता है, हायर मासेज की तरफ, तो अब जो आपका आंसर आने वाला है वो सेंटर ऑफ मास का लोकेशन वो कहीं ना कहीं इधर आने वाला है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना। तो यहाँ पे तो मैं तो क्या मान लेता हूँ, इसको ओरिजिन मान लेता हूँ, और ये कुछ डिस्टेंस मान लेता हूँ मैं डी, और एक तो हिस्सा कौन सा था बेटा ये वाला, मतलब उसी तरह से सिमिलरली आप कर सकते हो, है ना। तो चलिए यहाँ पे हम लोग रखते हैं और देखते हैं क्या क्या रख सकते हैं। तो ये तो एक्सीएम हो गया, ठीक है, या तो कोऑर्डिनेट से भी, मैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट से कर रहा हूँ, है ना, एक्सीएम इक्वल टू ए वन बड़े वाले का कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा क्या, पाई इंटू आर स्क्वायर का मतलब टू आर का स्क्वायर इंटू एक्स वन बड़े वाले का बेटा कोऑर्डिनेट। तो बड़े वाले के लिए मैंने क्या किया है भाई, यहाँ पे देख लो यही वाला ओरिजिन भी मान लिया है ना, ठीक है। तो बड़े वाले का तो मास जो है जब तक ये कट नहीं किया गया था तो बड़े वाले का सेंटर ऑफ मास यहीं पे लाई करेगा कैपिटल एम, तो बड़े वाले का मास वहीं पे लाई करेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, जीरो, ठीक है, माइनस ए टू बेटा, ए टू क्या आ जाएगा पाई आर स्क्वायर, ठीक है, इंटू एक्स टू, एक्स टू सोचो कितना होगा, ये वाला दूसरा वाला पोर्शन जो ये वाला, इसका तो सर सेंटर ऑफ मास जो है कहाँ पे रहा होगा, यहाँ पे ये पूरा पोर्शन को अलग से अगर हम देख रहे हैं तो, है ना, और ओरिजिन आपने ये माना है सर, तो इसका सेंटर ऑफ मास का जो लोकेशन है वो कितना होगा बेटा, तो आंसर इज आर, प्लस आर या माइनस आर, लेफ्ट साइड को माइनस ले रहा हूँ मैं, तो माइनस आर हो जाएगा इसका कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास का। तो यहाँ पे माइनस आर, ठीक है, डिवाइडेड बाय ए वन, आप ऑलरेडी जानते हो पाई इंटू टू आर का स्क्वायर, माइनस ए टू इज वॉट पाई आर स्क्वायर, बस सिंप्लीफाई करना है अब इसको। सिंप्लीफाई अगर आप करोगे तो ये वाला पोर्शन जीरो हो गया, यहाँ पे देख लो पाई कॉमन लेके कैंसिल आउट कर रहा हूँ मैं, आर स्क्वायर भी कैंसिल आउट कर देता हूँ कॉमन लेकर, ठीक है, ऊपर क्या बचेगा माइनस एंड माइनस प्लस आर, नीचे देखना ये गया ये दो का स्क्वायर बच गया तो चार, ये माइनस, यहाँ पे कुछ नहीं आने क्या जीरो या वन, आंसर इज वन होगा, है ना, दैट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आर डिवाइडेड बाई थ्री, और ये प्लस आर वाई थ्री आ रहा है, इसका मतलब प्लस का मतलब ओरिजिन से किधर होगा राइट साइड, और ओरिजिन आपने इसको माना था, देखो ये खुद ब खुद राइट साइड ही आ रहा है, और ओरिजिन यहाँ से माना था और आर बाई थ्री है, तो यहाँ से ये आर बाई थ्री दूर जाएगा। तो एक तो हमने डायरेक्ट भी बताया था कि कैसे सेंटर ऑफ मास का लोकेशन बता सकते हो, एक तो यहाँ पर इस तरह से भी आप बता सकते हो, तो कुछ नहीं करना है, बस ओवरऑल सिचुएशन क्या है कि बड़े वाले का अलग से मान लो, छोटे वाले का अलग से मान लो, ठीक है, एम वन एक्स वन जो तुम फार्मूला लगाते हो ए वन एक्स वन माइनस ए टू ए वन एक्स टू करके, इस तरह से आप लोग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आई होप कि पूरा सिचुएशन आपको क्लियरली समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर फाइव, तो देख लेते हैं इसका आंसर क्या है, आर बाई थ्री, हाँ आर बाई थ्री ये फ्रॉम द सेंटर ऑफ द होल, ठीक है। तो फिर मिलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर सिक्स के साथ।